हाँ हाँ बोल बोल बोल। खुद तेरी है इसका तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल। हाँ आवाज भी नहीं निकल रही। मर ना करना यार। भाई इसको देखें और लाज जाम पर सपूसियां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? प्रियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मजे में। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आपने व्लॉग को मिस नहीं करना, एंड तक देख। साउथ पंजाब की जो गर्मी है ये हकीकतन एक ऐसी, मतलब इस गर्मी में शिद्दत होती है कि ये आपको वाकई फील होती है कि यहाँ की गर्मी जो है ना वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना नॉर्मल दूसरे शहरों में होता है, लेकिन फील ये ऐसे होता है ना आपको सही, आपको फ्रेश कर देता है। बारिशें भी हुई हैं, मौसम ठीक भी रहा है, उसके बाद फिर जब धूप निकलनी स्टार्ट हुई है तो गर्मी ने एक दफ़ा ना मज़े करवा दिए। तो उम्र आज का फिर क्या प्लान है, आज किधर लेके जा रहे हो? आज चिड़ियाघर चलते हैं। चिड़ियाघर? हाँ चले व्यूअर्स, आपको आज लेके जाते हैं चिड़ियाघर। आओ भी उम्र। अच्छा तो व्यूअर्स मैं अभी आ गया हूँ बहावलपुर के जू में, चिड़ियाघर में, और आज इतना रश यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आमतौर पर ऐसी जगहों पे बच्चों का रश काफ़ी होता है, लेकिन आज रश नहीं है। मैं इस चिड़ियाघर में दूसरी दफ़ा आया हूँ। पहली फर्स्ट टाइम मैं आया था अपने स्कूल ट्रिप के साथ, और तब तो खैर काफ़ी पुरानी बात थी, कुछ कुछ याद थोड़ा थोड़ा याद था, लेकिन ये जो है ना बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सफाई बहुत ज़्यादा है, बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर ना नज़र आ रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो ये 1976 में बना था, और इसका जो टोटल एरिया है ना वो है जी 25 एकड़ में ये बना हुआ है। तो काफ़ी मशहूर भी था ये, काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ शेर की तरफ, यानी कि जंगल का जिसे बादशाह कहा जाता है, वहाँ पे शेर को देखने सबसे पहले। ये जगह शेर के लिए है, लेकिन शेर जो है शेर नजर नहीं आ रहा, लगता है शेर भी गर्मी की वजह से ना अंदर छुपा हुआ है कहीं। नहीं जी, इन भाई को इनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। वैसे यार शेर को इस तरह रखना ना, शेर की भी तो है ना कहीं, एक वो पीछे भी है। अच्छा ठीक है, मायूस मायूस बैठे हैं दोनों। काफी गंद भी डाला हुआ है, स्मेल काफी आ रही है। वो पीछे हड्डियां पड़ी हुई हैं इनकी खाने की, यानी कि गोश्त खा के हड्डियां छोड़ी हुई हैं इन्होंने। इनको भी लगता है गर्मी लगी हुई है बेचारों को, देखो कैसे बैठे हैं, डाल लेजी हो गई। ओए होए, इसका तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है उमर, गर्मी से है ना। तो तेरी क्या अंदर भी है, वो बाहर चला गया, वो फिर रहा सामने। बोल बोल बोल। हाँ आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। कितने शेर हैं इधर? किधर है वो सामने? तो पहले वाले जंगली थे अपना, वो जैली थे, जैली थे ये असल। अच्छा यार वो भी असल थे। कितने शेर हैं इधर? हाँ हाँ बोल बोल बोल। खुद तेरी है, गुस्सा करते हो है। ये खून खुआर हुआ पड़ा सही। अरे भाई देखें सही, इसको देखें सही, अभी कर क्या रहा है। अरे ये क्या है? उमर ना करना यार। ये तो पता नहीं जख्मी हुआ पड़ा है, टांग दे दो उसकी। हमें ना ये जख्मी हुई पड़ी है, और काफी जख्मी हुआ पड़ा बेचारा। Right.
अरे भाई इसको देखें, रीछ को देखें, अब ये देखें, ये जो नीचे बैठा हुआ है इसको देखें। वाह ये क्या कर रहा है नीचे बैठ के, आप चेक करें बैठा कैसे हुआ है। ये कर क्या रहा है, ये गिर लगता है यहां से गिरा है ये, है ना, जंप लगाने लगा था जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं। फोर लास्ट जंप तो पूछियां। ये इस साइड पे टाइगर है और वो दोनों टाइगर जो हैं वो बेचारे नढ़ाल होकर ही सोए थे, उनकी वो सही तरह से नजर भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्या उन बेचारों को डिस्टर्ब करना है। वहां पे भी एक ब्लैक रीच है, ये भी है और वहां पे सामने भी है। जड़ावाला के चिड़ियाघर से तो काफी बड़ा है ये। एक ये टाइगर के ये सामने इधर बिल्कुल इधर ये भी सोया पड़ा है। टाइगर का पता नहीं ये टाइम होता है सोने का, सारे टाइगर सोए हैं। गर्मी थोड़ी। ये ब्राउन बियर है यहाँ पे, एक ही है। हालत देखो इसकी क्या भी पड़ी है, नहलाते हैं नहीं, सफाई नहीं की क्या व्यवस्था। ये वाइट टाइगर है, ये बिल्कुल सामने सोया पड़ा है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो दोस्तों ये चिड़ियाघर जो है ना ये वाकई काफी बड़ा, और मुझे नहीं लगता कि मैं आज के दिन ये सारा जो है देख लूंगा। खैर जितना हो सके उतना तो देखते हैं ना। अच्छा हर जानवर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्मों के जानवर हैं यहाँ पे, सिर्फ मतलब शेर है वो भी मुख्तलिफ हैं, चीते हैं, रीछ हैं, कोई एक या दो जानवर नहीं है। ये खास बात है इस चिड़ियाघर की, जहाँ पे तोतों की आवाजें आ रही हैं देखते हैं यहाँ पे परिंदे, तोते छोटे। इधर भी शेर हैं वो सामने, चिड़ियाघर लगता है शेर से भरा हुआ, शेरों से भरा हुआ है चिड़ियाघर। ये क्या है, ये देख कैसे टपूसियां मार रहा, काम सा कर इसके। अच्छा गंद, अच्छा सबसे ज्यादा गंद भी इधर ही है, है ना। हाँ ये छोटा सा फूड कैफे बना हुआ है, कैंटीन बनी हुई है रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए, और ये सामने भी फूड स्टॉल्स बने हुए हैं छोटे छोटे। ये भी सबसे खतरनाक जानवर का सेक्शन है यहाँ पे, भेड़िया, वो सामने बैठा हुआ है भेड़िया है, इधर इधर है भेड़िया, ये तो सोया हुआ है, जानवर नहीं है, रखते नहीं है। ये मोर है और ये देखें, वाह जी वाह क्या बात है, कितने खूबसूरत रंग बिरंगे मोर है माशाल्लाह। ये ग्रास कितना प्यारा है यहाँ पे, ये बच्चों के लिए भी पार्क है यहाँ पे, बच्चों के ये झूले वगैरह थोड़ी सी एक जगह है बच्चों के लिए। यहाँ पे म्यूजियम भी है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं अभी। अरे भाई ये तो कमाल है यार, ये देखो सीन का सेटअप कैसा, कितना बेहतरीन बनाया हुआ है। ये डक्स हैं बड़ी प्यारी प्यारी, वो सामने असली है, वो सामने जो दो नजर आ रही हैं। हाँ यार वाकई कमाल सेटअप बनाया हुआ है इनका, असल मौज तो इनकी लगी हुई है। अरे यार ये हिरन देखें आप, ये सींग के बगैर है और ये है सींग वाला, वाह कमाल। आजो 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 आपके पास ही आ रहे हैं। अरे वाह ये भी हिरन है। वो आगे काफी सारे बच्चे भी हैं, वो क्या है वो सामने, ये भी एक हिरन की नस्ल है, यहाँ पे भी हिरन है वहां पे भी हिरन है, हिरन ही हिरन नजर आ रहे हैं इस जगह पे भी सारे। तो ये था जी चिड़ियाघर जू दिखाया आपको, सारा तो खैर नहीं मैं फिर, यही व्लॉग था आज का।